मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। देखने में आ रहा है कि समाज में बढ़ता नशा बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। मुख्य रूप से युवा वर्ग इसमें बहुत अधिक है। आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ, सबल और नशा मुक्त रहकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना हम सबका कर्तव्य है। हम अपनी संस्कृति के अनुसार नववर्ष की शुरुआत प्रसन्नता, उत्साह और नववर्ष संकल्पों के साथ करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए लोग तरह तरह के नशे करते हैं, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद होती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। इन्हीं तमाम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और नशा मुक्त बनाने के लिए मुंबई में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, कल 31 है। 2 साल बाद मुंबई ने, महाराष्ट्र ने, पूरा देश जो है वो नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। और हमें पता है कि इस बार तो इस साल का स्वागत बहुत जोश से, उत्साह से और ज़बरदस्त होने वाला है। नशाबंदी मंडल पिछले कई सालों से, सामाजिक न्याय विभाग है, महाराष्ट्र शासन का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मुंबई कलेक्टर्स है, एनसीबी है, एएनसी है, मुंबई पुलिस है और अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं जो नशा मुक्ति पर काम करते हैं। ये सारी संस्थाएँ एकत्रित होकर 31 दिसंबर को मनाने के लिए आह्वान तो करती है, वो मनाया जाए, उसका स्वागत किया जाए। लेकिन आजकल आप देखते हो कि 31 यानी नशा मस्ट, ये जो इस तरह का एक गणित बना चला है उसको तोड़ना होगा। समाज में बढ़ती व्यसनाधीनता हमारे लिए बहुत ही गंभीरता की बात है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे परिस्थिति दिखाई दे रही है कि IPL यानी IPL बाबा पेल, पोरगा पेल एक टेबल पे बैठ के सब पियेंगे और ये हमारे परिवार की, सिस्टम को, समाज को और देश को भी घातक है। क्योंकि देश को अगर बढ़ाना होगा तो हमारी नस्लों को बचाना होगा, और हमारी नस्लों को बचाना होगा तो आप सभी जानते हो कि नशा यानी नाश ही होता है, वो कहीं भी आपको उभरने नहीं देता है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे रूपालेल कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के साथियों ने बहुत बेहतरीन ऐसा नुक्कड़ नाटक पेश किया। और ये वही यूथ है जो नशे का विरोध कर रहे हैं। कहा जाता है कि नशे के लिए यूथ सबसे पहल करता है, लेकिन ऐसे मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर में बहुत सारे युवा साथी हैं जो जुड़े हैं और जो कहते हैं कि हम नशा मुक्त हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम को किया गया है कि नए साल का स्वागत जोश में करेंगे लेकिन होश में करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप देख सकते हैं कि पल भर के लिए भी कोई आने जाने वाला, ये जो CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के यहाँ पे लोग हैं, वो पल भर के लिए रुक के वो देखते हैं। और ये मुझे लगता है यही पल उनके ज़िंदगी का अनमोल पल होगा। हम नशा जो भी करते हैं वो क्षण भर के लिए रहता है, वो क्षणभंगुर मराठी में बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए साइड इफेक्ट उसका देता है, दुष्परिणाम शरीर पे देता है। केवल शरीर, मानसिक पे नहीं, शारीरिक, कौटुंबिक और सामाजिक जीवन पे भी उस व्यक्ति के नशे का दुष्परिणाम हो रहा है। मुझे खुशी रहती है कि मुंबई में, खाली मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में हर जगह पे पथनाट्य हो या बाकी का स्ट्रीट प्ले हो, ऐसे सामान्य तरीके से नॉर्मल मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन पे असर डालने के तरीके से श्री मडामे जी और वर्षा विद्याविलास मैडम, ये दोनों ही अच्छे उपक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वन्य पशु भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, बाकी के भी बहुत अन्य उपक्रम भी वो कर रहे हैं। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्षण भर के लिए कुछ ना हो लेकिन लोग नोटिस करते हैं, और वो नोटिस करने के बाद जब भी वो नशा करने की हालत में रहते हैं वो ज़रूर सोचेंगे। ये हमें अनुभव भी है और हमने ये सत्यता प्रणाली भी की है। नशा कितना घातक है, किस तरह से परिवारों को बर्बाद कर देता है। मनुष्य को सोचने और समझने की ताकत तो होती है, इसी बात को समझाने के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम में लोगों को समझाने के लिए जानवरों की भी मिसाल दी गई। नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र राज्य हर साल 31 के पहले दिन हम लोग एक लोगों को संदेशा देते हैं कि नया साल है, नशे में चूर मत होके जा, अच्छे से शुद्ध में अपने साथ साजरा करो उत्साह से। और हमें प्राणी, जैसे बलून वाले प्राणियों को हम लोग इकट्ठा करते, क्योंकि प्राणी ऐसे हमें संदेश देते, हम लोग तो जानवर हैं, हम लोग जानवर होते हुए भी कोई नशा नहीं करते, आप लोग तो इंसान है तो आप क्यों नशा करते हैं। ये आज के दिन का हमारा संदेश देने का महत्व है। जब देखते हो कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे अलग अलग प्राणियों को आप देख रहे हो, आपको पता है कि इस भू जमीन पर रहने वाला कोई भी, यानी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, किसी भी तरह का नशा नहीं करता है। और आदमी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी हर तरह का नशा करता है। मेरा कहना है कि नशा होना चाहिए,
हम भी नशेबाज हैं, लेकिन हम नशा मुक्ति के नशेबाज हैं और उस तरह का नशा करते हैं। तो आने वाले साल में नया संकल्प लेते हुए, एनर्जी भरा, उत्साह भरा, एक नया नशा जो समाज परिवर्तन की तरफ लेकर जाएगा वो लेना चाहिए। नहीं तो बढ़ती समाज में व्यसनाधीनता बहुत गंभीर है। वो दिन दूर नहीं कि देश, समाज, सब कुछ ये हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा और फिर हम मलम पट्टी करते रहेंगे। समाज में हम लोग कहीं पे एक तरह का एक्साइटमेंट को देखने लगे हैं। एक्साइटमेंट यानी आनंद, ऐसा हमारा एक क्या बोलते हैं, मनोवस्था बन गई है और उसकी वजह से हर एक जगह पे हम लोग झिंग झिंग झिंगाट देखते हैं और ये हमारा जीवन का जो दृष्टिकोण है वो हमको नशे की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कल नहीं, आज और अभी से ये संकल्प करो कि आज का दिन नहीं, ये संकल्प लेके जाएंगे तो मुझे लगता है नशामुक्त महाराष्ट्र और सक्षम महाराष्ट्र की ओर हम बढ़ेंगे। यूं तो पूरे देश में कई संस्थाएं आगे आकर नशे का विरोध कर रही है, मगर ज़मीन पर हालात कुछ और ही है। नशा बेचने वाले खुलेआम नशा बेच रहे हैं, इस पर संस्थाएं नहीं बल्कि सरकार को कार्रवाई करनी होगी। आप लोग ये नशे मुक्ति के लिए अभियान चलाते रहे लेकिन आज सरकार नशा बंद करने के लिए कुछ नहीं कर रही है, नशा चारों तरफ धड़ल्ले से बिक रहा है। ये बात कुछ हद तक सही है कि सरकार उदासीन दिख रही है, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरत है कि सरकार इस पर फोकस होकर, क्योंकि ये सब पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ ये सब आता है और आप सभी को मालूम है कि पुलिस की संख्या कितनी कम है और नशे के जो अलग अलग प्रकार बढ़ते जा रहे हैं उससे अवेयर होना, जनता को भी अवेयर होना चाहिए और पुलिस को भी उस प्रकार से कार्यरत होना चाहिए। यानी पुलिस टास्क कम है और जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ रही है पुलिस पर, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर पुलिस पर पुलिस की भर्ती हो और पुलिस पे एक विशेष जो है फोर्स, लेकिन उसके लिए स्टाफ मुझे जो है, जैसे यहाँ पे एनसीपी का अगर ऑफिस आप देखें मुंबई और महाराष्ट्र में उनकी जिम्मेदारी आती है, मुंबई और गोवा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन अगर उनका आप स्टाफ देखें तो वो लोग किस प्रकार से ये सब हैंडल कर पाएंगे इसके बारे में मुझे शंका है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से ये स्टाफ बढ़ाए और इस नशे की जो लत सब हर जगह फैलती जा रही है और नशा खुलेआम बिक रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकें। देखिए यस, एकदम भाई आपकी बात सही है, ये कार्यक्रम भी सरकार के ऊपर दबाव है। आपको पता है कि ये ढेर सारे कार्यक्रम पूरे एंटायर लॉकडाउन में भी चलाए गए, इसीलिए हाल ही में हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो शिक्षण मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है दीपक केसरकर सर, और हमारे कलेक्टर जो है मुंबई के राजीव निवतकर सर, इनके साथ मुंबई पुलिस, एनसीबी, एएनसी और नशाबंदी मंडल की सोशल जस्टिस के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वहां पे तय किया गया कि 12 जनवरी को पूरे मुंबई में एक कार्यक्रम लॉन्च होने जा रहा है। सारे मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों में 20 की टीम होगी, एक क्लब बनेगा और उस क्लब का नाम है यूथ अगेंस्ट LTD, यानी लीकर टोबैको ड्रग्स के खिलाफ यूथ, और ये यूथ नशा मुक्ति के दूत का काम करेंगे और ऐसे हर साल 60,000 यूथ पूरे एंटायर महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी ताकत बोल सकते हैं आप, खड़ी होगी नशे के खिलाफ लड़ने के लिए। नशा मुक्ति के इस कार्यक्रम में रूपरेल कॉलेज से आए छात्रों ने एक नाटक का प्रदर्शन किया और नशा किस तरह घातक है और इससे युवा पीढ़ी को क्या नुकसान है इसे अपने नाटक में दर्शाने की कोशिश की। हम DC रूपारेल महाविद्यालय से आए हैं, हम नशा मुक्त मंडल के साथ हम लोग का अफिलिएटेड था और ये स्ट्रीट प्ले हम लोग ने यहाँ पे परफॉर्म किया। इस स्ट्रीट प्ले का अर्थ मेन हम लोग को एक मैसेज देना है समाज को कि नशा मत करो। 31st माने सिर्फ ओनली ड्रिंक एंड ड्राइव और सिर्फ ड्रिंक्स और ड्रग्स करके ही नहीं होता, हम और भी कई पर्याय है जिससे हम 31st सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो हमारे स्ट्रीट प्ले का यही एक मैसेज था कि
कैसे समाज में इसके वजह से बहुत से तनाव आते हैं, कैसे घर घर में अलग परिस्थितियां निर्माण होती है कि जैसे बाप अपने बेटे से नहीं बात कर पाता ढंग से, कैसे वो सोशल कनेक्ट टूट जाता है, कैसा उस पर समाज पे उसका असर होता है। सो हमारे इस पथनाट्य से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि नशा मत करिए, नशा करिए ही मत। 31st को अलग भी पर्याय है, वो पर्याय का आप पालन कीजिए, वो पर्याय से आप 31st सेलिब्रेट कीजिए। जानवर शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, चरस गांजा नहीं पीता, जानवर नशे के सेवन से बहुत दूर है, लेकिन मनुष्य दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर होते हुए भी नशे के पास जाकर खुद को और हमारी पूरी मानव जाति को नष्ट करने की कोशिश करते रहता है। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि नशे से बचो, अपना भविष्य उज्ज्वल करो। नका खाओ गुटखा, नका पियो बियर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आज तक के लिए इतना। देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।